कामी हल चंद के बैदी किन सन वो कुलसुम ते ज़ैनब शाम मुसलमान होना शर्त नहीं है, इंसान होना शर्त है। पहले इंसान तो इंसानियत के नाते बाबा नानक साहब से बात शायद मैंने ये सुनी थी और शायद आप इससे बात करें कि वो ये कहते हैं कि माँ क्या होती है, माँ की इज्जत क्या होती है, बहन क्या होती है, बहन की हुर्मत क्या होती है, पर्दा क्या होता है, पर्दादारी क्या होती है, इन रिश्तों का ख्याल करना, बेटी और बाप से क्या रिश्ता होता है, इसका एहतराम क्या है। खुदा की कसम ये मैंने हुसैन की जान से कहा और यही नहीं वजह है कि आज ये हमारे साथ खड़े हैं, हमें तकलीफ मिल रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि हुसैन की शहादत पर रोते नहीं, रोते क्यों? शहादत तो खुशी की बात है, बेशक शहादत पता है, हुसैन की जीत हुई है, मगर हम हुसैन की शहादत पर कब रोते हैं? हम तो उस जुल्म पर रोते हैं जो हुआ। मुसलमानों में हमारे भाई महेंद्रपाल साहब गवाही देंगे, सिख कम्युनिटी में भी कहीं भी किसी भी मजहब में, दुनिया का कोई मजहब लाओ खोला चैलेंज है, किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने शहीद कर दिया तो उनके घर वालों को बेपर्दा कर दो, उनके हरे बच्चों को और औरतों को तो अमान होती है ना, इस जुल्म पे हम रोते हैं। ये वजह है कि सिर्फ शिया ही नहीं, हमारे सिर्फ राजनीति इमाम हुसैन के गम में शरीक है,
ये अपने अपने अंदाज से सब हुसैन मौला का गम मनाते हैं। तो आइए आज पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हम हुसैन पर रोते हैं, वो जुल्म क्या है, वो जुल्म क्या है। शहादत तो अपनी जगह, मगर ये मौला सैयद सज्जाद सिंह से ने कहा ना, मौला शहादत तो आपकी विरासत है, मौला फिर खून के आंसू क्यों रोते हैं? तो मौला ने कहा तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बेशक शहादत हमारी विरासत है, क्या ये भी हमारी विरासत है कि हमारी माओं बहनों की चादरें छीन ली जाए, यतीम बच्चों के तमाचे लगे? अब मिसरे सुनना, आप जाने आजादी से मातम करना जैसे भी चाहे। बीबी समीरा की जन्म बाबा सर सबने बाबा का सर गोद में लिया तो बीबी ने बैन करना शुरू किए। बीबी फरमाती है बाबा अंधेरा दश्त बला जल गए बाबा जान क्या मैं कहूँ,